हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी होगी विद आदि जॉर्ज एंड अब हम अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं रीच फॉर द टॉप के। अभी हमने पार्ट वन किया था जिसमें हमने संतोष यादव की पूरी स्टोरी देखी थी। अब पार्ट टू में हम मारिया शारापोवा की स्टोरी देखेंगे। ये रशिया में बॉर्न हुई थी एंड 2005 में वुमेन्स वर्ल्ड टेनिस में इनको नंबर वन पोजिशन मिली थी। सो इनकी क्या बैक स्टोरी है वो हम देखेंगे। सो अब ये जो है इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफी काम और एलिगेंट पर्सनालिटी है और इनको जिन्होंने भी देखा है वो ये मानते हैं कि 4 इयर्स में इन्होंने बहुत सक्सेस हासिल किया। बट एक्चुअल में 4 इयर्स नहीं, इसके पीछे जो 9 इयर्स का सेक्रीफाइस है वो बताते हैं वो। सो स्टोरी में वो बताती है कि जब वो उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, उससे पहले ही उनके बैकपैक हो गए थे कि अब वो यूएस जाएंगे। सो रशिया से अब उनको यूएस भेजा जा रहा था ताकि वो अब टेनिस वगैरह में आगे उसको सीख सके और कर सके। अब वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मदर को वीजा रिस्ट्रिक्शन की वजह से साथ में अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो सिर्फ अपने फादर के साथ गई थी। तो वो बताती है कि एट टाइम्स वो बहुत लोनली फील करती है बिकॉज अपनी मदर को वो बहुत ज्यादा मिस करती थी और उनके जो फादर है उनको भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा था ताकि वो उनकी उसकी फीस वगैरह अफोर्ड कर सके, इसलिए अपने फादर से भी इतना रेगुलरली नहीं मिल पाती थी। सो उसके बाद वो बताती है कि जिस जहां पे वो रहती थी वहां पे, क्योंकि वो काफी यंग थी तो वो 8 बजे तक आ जाती थी अपना सोने के लिए, लेकिन उनके जो सीनियर्स थे जो उनके रूममेट्स थे वो उनको बुली करते थे। वो आते थे 11 बजे तक आते थे एंड देन अगर वो सो रही थी तो उसको उठा के उससे रूम साफ करवाते थे और इस तरह से उसको बुली करते थे। वो बोलती है कि शायद ये चीजें लोगों को डिप्रेस करती हैं लेकिन मैंने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, इन चीजों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने दिया क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना और मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे अपने 100% देना ही है। और वो बोलते हैं कि जो मेरा ड्रीम है इसको पूरा करने के लिए अगर मुझे इससे ज्यादा भी ह्यूमिलेशन सहनी पड़ती तो मैं वो भी करती, बट मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने आप को गिव अप नहीं करूंगी और पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं कभी भी इसको क्विट नहीं करने वाली। एंड इसी वजह से अब जो टेनिस में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जो उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी इसी वजह से 2004 में उनको विंबलडन क्राउन मिला था जो कि बहुत बड़ी बात होती है। एंड देन उसके कमिंग नेक्स्ट ईयर में 2005 में जैसा हमने पहले बताया था वुमेन टेनिस की वो फर्स्ट पोजिशन पे आ गई थी। अब वो बताती है उनकी जो जर्नी है फ्रोजन प्लेन्स ऑफ सेबिया से, मतलब रशिया से टू द समिट ऑफ वुमेन टेनिस के समिट तक वहां की जो पूरी जर्नी है उसमें उन्होंने इतना कुछ फेस किया, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया और जो उनके स्पेशली फैंस हैं वो उनकी जर्नी से काफी इमोशनल फील करते हैं, काफी इमोशनली अटैच्ड होते हैं। लेकिन वो कहती है कि जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ या अपने सेक्रीफाइसेस को या ये सब चीजें याद करती हूँ तो मैं कभी भी अपने आप को इमोशनल नहीं करती, मुझे बहुत प्राउड होता है। और वो बोलते हैं कि मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि मैंने जो भी किया वो वर्थ था। सो शी सेज ऑल द सेक्रीफाइसेस दैट शी हैज मेड वर वर्थ इट। उसके बाद वो बताती है कि वो वैसे तो क्योंकि वो ब्रॉन इन मतलब बॉटअप हुई है यूएस में, उन्होंने भी लाइफ में जितने सारे साल हैं वो यूएस में निकाले हैं और बताते हैं कि यूएस में लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लेकिन स्टिल मेरी जो सिटीजनशिप है वो रशिया की है एंड माई ब्लड इज फ्रॉम रशिया ऑफकोर्स बिकॉज उसके पेरेंट्स रशिया के हैं। सो वो बोलते हैं कि कभी अगर वो ओलंपिक्स वगैरह खेलेगी भी तो वो अगर रशिया वाले वो उनको कहेंगे तो वो रशिया से खेलना प्रेफर करेगी बिकॉज एक्चुअल में वो उस कंट्री की है। सो उनका जो बोलने का ढंग है उसमें भी वैसे तो जो उनका एक्सेंट है वो क्योंकि अब ऑब्वियसली अब जहां पे बड़े होते हैं उसी तरह से हमारा एक्सेंट भी हो जाता है तो उनका जो एक्सेंट है वो काफी यूएस का है, लेकिन जब वो कहीं पे भी स्पीच वगैरह देती है तो उनको उनके अंदर ये चीज दिखती है कि वो बहुत ही प्राउड रशियन है। ओके, देन नेक्स्ट बताते हैं उनकी जो हॉबीज हैं, उनको फैशन बहुत पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। सो उनके बारे में बताते हैं कि एक तो उनको जो इवनिंग गाउन होते हैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वाले वो उनको बहुत पसंद है और उसके कॉन्ट्रडिक्ट पे उनको पैनकेक्स ऑरेंज जूस वगैरह बहुत पसंद है। तो लोग ये सोचते हैं कि वो इतनी अच्छी जो उन्होंने फिगर मेंटेन करी और उनके खाने की जो चॉइसेस हैं वो पैनकेक चॉकलेट्स वगैरह तो वो कैसे इतना मेंटेन करती है कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड गाउन्स में भी वो खुद को इतना सुंदर दिखा पाती है। सो उसके बाद वो बोलते हैं कि शी कांट बी कैटेगराइज इन एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में आप उनको नहीं डाल सकते बिकॉज ऐसी 3 चीजें हैं जो बहुत उनके अंदर है, उनका टैलेंट रेडीनेस टू सैक्रिफाइस मींस
वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहती है, ऐसा नहीं है। वो ये जानती है कि अगर उन्हें अब कहीं पे सक्सेस करना है, सक्सीड करना है, तो कुछ शायद उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वो इस चीज के लिए हमेशा रेडी रहती है। एंड हर डिजायर टू सक्सीड, तो सक्सेस पाने का जो उनका डिजायर है, ये जो तीन चीजें हैं, ये उनको कीप गोइंग करती रहती है, वो आज तक इतनी स्ट्रांग है। देन बताते हैं उनके जो मॉनिटरी व्यूज है। सो वो कहती है कि किसी को भी मेरे जो, क्योंकि ऑब्वियसली टेनिस में बहुत पैसे होते हैं, सो वो बोलती है कि किसी को भी मेरी रिचेस से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत हार्डवर्क किया है अपने आप को इस पोजीशन तक लाने में। और बोलते हैं कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करती है, एंड टेनिस बोथ एक स्पोर्ट भी है और एक बिजनेस भी है। सो अगर वो अर्न करे, सो ऑब्वियसली उन्होंने अगर मेहनत करी है, तो वो इसीलिए आज इतना अर्न कर पा रही है, या इसीलिए वो इतनी फाइनेंशियल स्टेबल हो पाई है। एंड वो ऑल्सो ये चीज बताती है कि नंबर वन पोजीशन पे आने के लिए आपको मनी या इसे जो आपका डिजायर होता है अपनी ड्रीम को फुलफिल करने का, या जो आपको ड्रीम है वो आपको नंबर वन पोजीशन पे लाता है, बिकॉज आप उस ड्रीम को पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, सेक्रीफाइसेस करते हो, और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हो। सो ये थी पूरी हमारी स्टोरी मारिया के बारे में। आई होप अगेन आपको इसकी पॉइंट समझ आ गए होंगे, जो जो इंसिडेंट्स थे वो सब समझ आ गया होगा, एंड आप इसकी क्वेश्चन आंसर आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय।